हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको ये बेबी ब्लैंकेट पैटर्न बनाना सिखाऊंगी। मैंने बहुत बड़ा नहीं बनाया है, छोटा सा बनाया है। और ये देखिए, ये कितना सुंदर सा पैटर्न आया है, ये देखिए। और बहुत इजी है बनाने में और जल्दी बन जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, इसके लिए जो मैंने यार्न ली है वो गंगा कडली की है। ये तो दूसरा कलर है, मैंने थोड़ा बना के रखा हुआ है, लेकिन है गंगा कडली की। और ये जो क्रोशिया है वो 4 mm का है। वैसे आप कोई भी क्रोशिया और कोई भी यार्न ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको क्या करना है, देखिए, न्यू बॉर्न से लेके आप 18 मंथ तक के बच्चों को ये कंबल कंफर्ट रहेगा। तो आपको क्या करना है, 40 इंचेस आप लॉन्ग बनाएंगे और 40 इंचेस लॉन्ग और 40 इंचेस ही इसकी ब्रेथ होगी, ठीक है। तो आप चेंस बना लीजिए और नाप लीजिए कि 40 इंचेस हो गया। तो आप कोई भी क्रोशिया और कोई भी यार्न लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मोटा लेंगे तो थोड़ा जल्दी बन जाएगा। अब देखिए, आपको इसमें चेंस जो बनानी है वो 2 के मल्टीपल चैन बनानी है। 2 के मल्टीपल मैं आपको बताती हूँ, 2 के मल्टीपल या 4 के मल्टीपल, जो भी मल्टीपल मैं आपको बताती हूँ। तो कई लोगों का बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि 2 का मल्टीपल का मतलब क्या होता है, मतलब जो नंबर 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो इससे क्या होता है, जब आप स्टार्टिंग से ही चैन को काउंट करके या उसके मल्टीपल जो पैटर्न होता है उसके मल्टीपल लेते हैं, तो आपको आगे एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा और आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए जो भी पैटर्न बना रहे हैं जिसमें मैं बताती हूँ, उसका मतलब सिर्फ यह होता है कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेंगे कितने भी, जितने मैंने यहाँ थोड़े से चेन बना रही हूँ, 20 चेन बना रही हूँ। बहुत ही ईजी पैटर्न है और 1 रो का रिपीट पैटर्न है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हमने चैन्स बना ली। अब देखिए, 2 के मल्टीपल आपने चैन बनाई, उसके बाद एक चैन और बनाएंगे, ठीक है। ये एक चैन और बनाई। अब देखिए, ये फर्स्ट वाली जो चैन है इसको छोड़ेंगे और जो सेकंड वाली चैन है, ये फर्स्ट ये रही और जो सेकंड वाली चैन है उसमें एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए, आपको क्या करना है, ये 3 स्टिच सिंगल एक साथ बनाना। देखिए, ये 1 हमने इसमें से धागा लिया, फिर सेकंड वाले में से लिया और फिर थर्ड वाले में से लिया, ठीक है। फिर इन तीनों में से एक साथ ये धागे को निकाल देंगे। बहुत इजी पैटर्न है। थोड़ा सा अगर आप कहीं गलती हो, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट रो, सेकंड रो आप देख लीजिए, उसके बाद उसमें सेम ही बनाना है। अब देखिए, एक यहाँ पर चैन बना देंगे। फिर देखिए, जिसमें हमने लास्ट वाला स्टिच लिया था, इसमें ही हम फर्स्ट लेंगे, नेक्स्ट वाले में सेकंड लेंगे और उससे नेक्स्ट वाले में थर्ड। इन तीनों को एक साथ इस तरीके से एक साथ बना देंगे। फिर एक चैन बनाएंगे। फिर देखिए, फर्स्ट स्टिच हम इसमें से लेंगे 1, नेक्स्ट में से लेंगे 2 और इससे नेक्स्ट वाले में से लेंगे 3 और फिर तीनों को एक साथ बना देंगे। फिर एक चैन बनाएंगे। तो यही जो पैटर्न है वो हमें लास्ट तक बनाना है। तो पहले मैं लास्ट में बना के आ जाती हूँ। तो देखिए, यहाँ लास्ट में आ गई। यहाँ मेरी एक एक्स्ट्रा चैन बन गई थी, इसलिए यहाँ एक्स्ट्रा बच रही है। लेकिन अगर आप 2 के मल्टीपल प्लस 1 लेंगे तो आपकी चैन नहीं बचेगी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हमने ये लास्ट वाला जो बनाया, आपको लास्ट वाले में ध्यान रखना है। आपने ये 3 स्टिच लिए और तीनों में से एक साथ बना दिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम चैन नहीं बनाएंगे, जो लास्ट जिसमें हमने लास्ट वाला, ये देखिए लास्ट वाला ये लिया था स्टिच, यहीं पे एक सिंगल स्टिच बना देंगे, ठीक है, बिना चैन बनाए। और जब भी देखिए, चैन 1 बनाएंगे और इस तरफ पलट जाएंगे और जो फर्स्ट वाला स्टिच है सेम इसी में एक सिंगल स्टिच बनाना है, ठीक है। अब देखिए, ये 1 फर्स्ट हमने लिया, सेकंड देखिए, ये जो बीच में स्पेस है एक, ये और ये जो थर्ड हमने चैन बनाई थी, 3 स्टिच एक किए थे उसके ऊपर, जस्ट हमने चैन बनाई थी एक, उस चैन में से लेना है। तो
जब आप चैन बनाएं तो थोड़े हल्के हाथ से बनाइएगा, जिससे आपको ये यहाँ पे आपको क्रोशिया डालने में प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये तीनों को एक साथ कर देंगे, सॉरी फोर स्टिच हो जाते हैं जब हम तीन में से एक साथ लेते हैं। तो यहाँ पे एक चैन बनाइए, चैन हल्के हाथ से बनाइए, पूरा पैटर्न ही आप हल्के हाथ से बनाइए जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए 1 2 और ये 3, जो थर्ड वाला स्टिच है आपका वो ये चैन में आना चाहिए हर बार। ये फर्स्ट जिसमें हमने लास्ट वाला स्टिच लिया था वो, फिर देखिए नेक्स्ट इन दोनों के बीच में ये, और नेक्स्ट जो हमने चैन में स्टिच इकट्ठे किए थे उसके बाद जो चैन बनाई थी ये वो वाला पैटर्न है। इसमें ये तीनों को एक साथ ले लेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से बनाना है, ये मैं लास्ट में बना के आ जाती हूँ। तो देखिए सेकेंड वाली रो की लास्ट में आ गए, तो देखिए लास्ट वाला हमने इसमें बनाया था। अब देखिए इसी में एक फर्स्ट, ये बीच में, ये देखिए बीच में एक स्पेस है यहाँ पे सेकंड। जब आप बनाएंगे तो आपको आराम से दिखाई देंगे। और जो लास्ट वाला स्टिच है वो हमने स्टार्टिंग में जो सिंगल स्टिच बनाया था फर्स्ट रो के उसमें बनाएंगे। ये अब इन सबको एक कर देंगे, और यहाँ पे हमें चैन नहीं बनानी, यहाँ पे एक सीधा एक सिंगल स्टिच बना देंगे, ठीक है। अब देखिए चैन 1 बनाएंगे और इस तरफ पलट जाएंगे, और फर्स्ट वाले स्टिच में एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। और वैसे मैंने एक और ब्लैंकेट का पैटर्न बनाया हुआ है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा। अब देखिए ये फर्स्ट स्टिच इसमें से 1, सेकंड देखिए ये बीच में से 2, और थर्ड जो हमने ये स्टिच इकट्ठे किए थे उनके ऊपर जस्ट चैन बनाई थी उस चैन। इनको एक कर देंगे, फिर चैन 1 बनाएंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से ये पैटर्न बनाना है, तो मैंने बना के रखा हुआ है, अभी इसके ऊपर हम बॉर्डर और बनाएंगे, ठीक है। यही रो रिपीट करनी है आपको। तो देखिए ये मैंने थोड़ा बना के रखा हुआ है, मैंने पूरा कंबल नहीं बनाया। तो देखिए ये पैटर्न दोनों तरफ से सेम है, कुछ इसमें उल्टा सीधा नहीं है, और देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बारीक बारीक डिज़ाइन है और बहुत पास पास भी है, तो ये कंबल के हिसाब से बहुत अच्छा पैटर्न है। और ये बनने के बाद थोड़ी मोटी भी हो जाता है, ये देखिए कितना मोटा हो गया है। तो देखिए अब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। तो बॉर्डर बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे, ये हमने जहाँ जितना लंबा बनाना था उतना बना लिया है। अब देखिए चैन 1 बनाएंगे और इस तरफ पलट जाएंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, ये हमारा चैन 1 और एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, यहाँ पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। तो ये हमारा कॉर्नर है, ये यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे एक सिंगल स्टिच और बनेगा और चैन 1 का स्पेस देंगे। हर कॉर्नर पे हमें एक सिंगल स्टिच, चैन 1 और एक सिंगल स्टिच और बनाना है, ठीक है। ये देखिए ये क्या, अब एक सिंगल स्टिच यहाँ बनाएंगे बीच में, एक सिंगल स्टिच यहाँ बनाएंगे, एक सिंगल स्टिच यहाँ बनाएंगे। कि दो स्पेस दिख रहे हैं दोनों में, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा। हर एक स्टिच में बनाते हुए मैं कॉर्नर पे आ जाती हूँ। तो देखिए ये कॉर्नर है, कॉर्नर पे यहाँ पे हम बनाएंगे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे और एक सिंगल स्टिच और बनाएंगे। ये हर कॉर्नर वाले जो होगा हमें कॉर्नर पर इसी तरीके से बनाना है, जिससे हमारा कॉर्नर अच्छे से है। अब देखिए फिर से यहाँ पर, अब ये देखिए ये एक सिंगल स्टिच यहाँ बनाएंगे। आपको ये देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट आ रहे हैं हमारी, यहाँ पे हमारी रो ख़त्म हो रही थी। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो पैटर्न है वो स्ट्रेट आए, ठीक है। तो देखिए एक सिंगल स्टिच हमने यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाएंगे, एक यहाँ बनाएंगे, एक यहाँ बनाएंगे। तो हर एक जो स्पेस है इसमें एक एक सिंगल स्टिच आ जाएगा, क्योंकि हमारी रो भी सिंगल स्टिच की थी, तो यहाँ पर भी एक एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। ऐसे ही मैं पूरा लास्ट में बना लेती हूँ उसको। तो देखिए जहाँ हमने चैन स्टार्ट किया था ये पैटर्न, यहाँ से हमने चैन बना के फिर हम ऊपर की तरफ हम आए थे, वहाँ पे देखिए आपको क्या करना है। एक देखिए ये एक यहाँ आपने सिंगल स्टिच बनाया, देखिए एक ये है और एक ये जो स्टिच है देखिए ये यहाँ बीच में है, यहाँ पे बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पैटर्न उस तरीके का नहीं आ रहा है या थोड़ा अलग है,
एक यहाँ बनाएंगे और एक स्टिच, ये तीन स्टिच इकट्ठे किए थे, ये देखिए यहाँ बनेगा, एक ये स्पेस दिख रहा है यहाँ बनेगा, एक स्पेस दिख रहा है यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। नहीं अगर आपने दूर दूर बनाया देखिए इस स्पेस में यहाँ यहाँ बनाएंगे तो खिंच जाएगा, एक यहाँ बनेगा, एक ये यहाँ पे बनेगा। तो देखिए हम वहीं आ गए हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो ये हमारा फर्स्ट सिंगल स्टिच बनाया था हमने। तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे हमने फर्स्ट सिंगल स्टिच बनाया था वहीं पे एक सिंगल स्टिच और बनाएंगे, चैन वन बनाएंगे। और देखिए जो फर्स्ट चैन और फर्स्ट सिंगल स्टिच था इन दोनों के बीच में स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर देंगे और ये जो धागा है इसको यहाँ से काट देंगे। तो मैं दूसरा कलर यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैं ये धागा काट रही हूँ, अगर आप सेम कलर से बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। तो देखिए ये जो कॉर्नर है हमने चैन वन और फर्स्ट डबल क्रोशिया, ये देखिए यहाँ से हम धागे को लगा रहे हैं। बाद में जो एक्स्ट्रा धागे होंगे उनको स्टिचेस में डाल के आप हटा दीजिए, ठीक है। देखिए ये कॉर्नर है, कॉर्नर से स्टार्ट करें, चैन वन बनाएंगे, चैन वन को स्टिच काउंट नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे, कॉर्नर बना रहे हैं हम पहले, ये वन डबल क्रोशिया, चैन वन, एक वन डबल क्रोशिया और बनाएंगे। अब देखिए बनाएंगे चैन टू, वन टू, एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, फिर चैन वन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा कॉर्नर है। अब यहाँ से थ्री स्टिच चुनेंगे, वन टू थ्री, और जो ये फोर्थ वाला है इसमें हम वन डबल क्रोशिया, चैन टू और वापस से वन डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए दो स्टिच छोड़ेंगे, सॉरी थ्री, वन टू थ्री, और जो फोर्थ देखिए थ्री के जस्ट बाद वन डबल क्रोशिया, चैन टू और वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से ये बनाना है, मैं एक कॉर्नर में बता दूंगी एक बार आपको, तो पहले मैं कॉर्नर में बना के आ जाती हूँ, ये हमें इसी तरीके से बनाना है। तो देखिए मैं सेकंड कॉर्नर पे आ गई, अब यहाँ पे मेरे थ्री की जगह फोर स्टिच बचेंगे, वन टू थ्री और ये फोर, ये जो चैन वन हमने बनाया था इसमें कॉर्नर बनाना है। तो देखिए स्टिच आपके परफेक्ट नहीं आएंगे, आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे, जैसे आपने कहीं पे थ्री छोड़ दिए, कहीं पे टू छोड़ दी, इस तरीके से जब कॉर्नर आए कॉर्नर कॉर्नर पर ही बनना चाहिए और यहाँ पर आप थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिए, ठीक है। स्टिचेस किसी के भी परफेक्ट नहीं आते, थोड़ा सा कम ज़्यादा करना होता है, ठीक है, एडजस्ट करना होता है स्टिचेस को। अब ये जो कॉर्नर है इसमें देखिए चैन वन बनाएंगे, सॉरी वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन वन बनाएंगे, एक वन डबल क्रोशिया और बनाएंगे, फिर चैन टू बनाएंगे, वन टू, फिर इसी में एक वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर चैन वन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए कॉर्नर पे इस तरीके से बनाना है। और फिर इसके बाद देखिए हमसे वन टू थ्री, हर थर्ड वाले स्टिच में हमें थर्ड वाले स्टिच के जस्ट बाद वन टू थ्री, वन डबल क्रोशिया, चैन वन, वन डबल क्रोशिया बनाना है, सॉरी चैन टू। तो इसी तरीके से हर कॉर्नर में बनाते हुए मैं लास्ट में आ जाती हूँ। तो देखिए ये कॉर्नर से हमने यहाँ पे बनाना शुरू किया, लेकिन देखिए यहाँ पे जो लग रहा है हमें स्टिच बहुत दूर, थोड़ी दूर दूर हो रहे हैं, तो जब आप इसको बनाएंगे तो ये यहाँ पे खींचेगा। तो आपको देखिए यहाँ पे हमने थ्री स्टिच छोड़े हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये खींच रहा है तो आप यहाँ पे दो स्टिच छोड़ के हर थर्ड वाले स्टिच में इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर तो मैंने थ्री छोड़ दिए, अब यहाँ से वन टू और ये थर्ड वाले में बना दीजिए, हर जगह आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप स्टिच ज़्यादा बनाते तो फिर वो बहुत खिंचता, तो यहाँ पे हम दो स्टिच छोड़ देंगे, यहाँ पे हमने थ्री स्टिच छोड़े हैं, यहाँ पे दो स्टिच छोड़ के बना देंगे। तो इसी तरीके से हर जगह आपको एडजस्ट करना सीखना होगा, क्योंकि जब भी अगर बनाते हैं तो हमेशा इस तरह की प्रॉब्लम आती है, और वहीं पर जो बिगनर्स होते हैं
वो फंस जाते हैं कि उन्हें क्या, अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा। तो अगर आपने स्ट्रेट एडजस्ट करने सीख लिए तो आधी प्रॉब्लम तो आपकी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये हमने यहाँ पे, अगर यहाँ पे थ्री बनाएंगे तो बहुत दूर दूर हो जाएगा। तो ये मैं पूरा बना के लास्ट पे आ जाती हूँ। तो देखिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे आ गए हैं बॉर्डर। ठीक है, अब देखिए जो हमने फर्स्ट चैन और फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया था इन दोनों के बीच में स्लिप स्टिच अटैच कर देंगे। ठीक है, अब एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और ये जो फर्स्ट वाला चैन वन का स्पेस है यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, फिर से चैन वन बनाएंगे और ये जो वाला जो चैन वन का स्पेस है इसमें फाइव डबल क्रोशिया बनाएंगे। वन टू, चैन वन स्टिच नहीं है, टू थ्री फोर फाइव। अब देखिए ये जो बीच का चैन टू का स्पेस है यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे टू डबल क्रोशिए, वन टू। चैन थ्री बनाएंगे, वन टू थ्री, और देखिए ये जस्ट यहाँ पे जहाँ से हमने स्टार्ट किए चैन थ्री, यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे और यहाँ पे टू डबल क्रोशिए और बनाएंगे, वन टू। अब ये जो नेक्स्ट वाला है इसमें भी फाइव डबल क्रोशिए बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है, अब देखिए ये जो नेक्स्ट वाला ये चैन टू का स्पेस है ये फर्स्ट, देखिए यहाँ पर हम इसको सिंगल स्टिच से अटैच करते हैं। फिर नेक्स्ट वाले में आ जाएंगे, इसमें बनाएंगे थ्री डबल क्रोशिए, वन टू थ्री, चैन थ्री बनाएंगे, वन टू थ्री, और जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं पे इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। ये देखिए दो स्टिच हमें यहाँ दिखाई देंगे और इसमें इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे और यहाँ पे वापस से थ्री डबल क्रोशिए बनाएंगे, वन टू थ्री। देखिए जो नेक्स्ट वाला है इसमें सिंगल स्टिच से अटैच कर देंगे और फिर देखिए यहाँ पे इसमें थ्री डबल क्रोशिए, वन टू थ्री, चैन थ्री बनाएंगे, वन टू थ्री, और यहाँ पे स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे और थ्री डबल क्रोशिए बनाएंगे। इस तरीके से ये पहले कोने पे आ जाती हूँ मैं, जहाँ तक फर्स्ट कॉर्नर जहाँ आ रहा है वहाँ पे, इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो देखिए सेकंड कॉर्नर से जस्ट पहले आ रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे मेरा ये वाला एक स्पेस नहीं है क्योंकि यहाँ पे मुझे सिंगल स्टिच से अटैच करना था और ये स्पेस यहाँ कम पड़ रहा है, फिर यहाँ से पैटर्न बनाना था। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से अगर आपको आए तो ये यहाँ पे आप सिंगल स्टिच से अटैच कर दीजिए, ये देखिए पैटर्न पूरा हो जाएगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से एडजस्ट किए जाते हैं। अब देखिए जैसे हमने फर्स्ट कॉर्नर बनाया था वैसे ही फाइव डबल क्रोशिए बनाएंगे, वन टू थ्री, फर्स्ट वाला चाहें वन का स्पेस है, फोर फाइव। ठीक है, अब कि यहाँ पे चैन टू का स्पेस है इसमें टू डबल क्रोशिए, वन टू, चैन थ्री बनाएंगे, वन टू थ्री, और यहाँ पे सिंगल स्टिच से अटैच कर देंगे, स्लिप स्टिच से सॉरी। फिर यहाँ पे टू डबल क्रोशिए और बनाएंगे, वन टू। अब नेक्स्ट वाले में ये जो चैन वन का स्पेस है इसमें फाइव डबल क्रोशिए बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। देखिए इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे।
ठीक है, तो इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं इसको बना के पूरा लास्ट में आ जाती हूँ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो देखिए ये मैं लास्ट में आ गई। अभी मैं हर कॉर्नर पे मेरे इस तरफ यही प्रॉब्लम आई कि ये एक की स्पेस बचा नहीं, तो कोई बात नहीं, या लास्ट में आ गए। यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से अटैच, सिंगल स्टिच से अटैच करेंगे, सॉरी पहले यहाँ पे सिंगल स्टिच से अटैच करेंगे। उसके बाद देखिए जो हमने फर्स्ट चैन और जो फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया था इन दोनों के बीच में इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे, और ये जो धागा है इसको हम यहाँ से काट देंगे। अब देखिए ये जो एक्स्ट्रा धागे हैं ना, इनको आप सुई में डाल के और स्टिचेस में डाल दीजिए, और जो एक्स्ट्रा दिख रहे हो अच्छे से गांठ बांध के काट, फिर काट दीजिएगा, जिससे ये दिखे नहीं और उधड़े भी नहीं, ठीक है। तो देखिए ये बनने के बाद इसके कॉर्नर ये देखिए ये इस तरीके से आ रहा है, और ये पैटर्न देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।